ठीक, बुकलेट पे आ जाओ फिर से, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100। कल आपका टेस्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, बाइट्स-सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ और फोर्स ऑन चार्ज कैरिंग, फोर्स ऑन चार्ज एंड यहाँ तक। ये एक्सप्रेशन लास्ट है, ये भी आएगा और ये एक्सप्रेशन तो पक्का आएगा क्योंकि ये बोर्ड में हर बार आता है। तो स्टार लगाओ इस पे, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, इसके आने की प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा है। तो कल के अंदर 3 नंबर तो हो गए पक्के, ये बस आपने करके दिखाना है। कल का सब्जेक्टिव है, वैसे मैं थोड़े से ऑब्जेक्टिव डाल दूंगा, आजकल मैं एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव भी ले रही है ना 5-4, तो वो बीच में जो डालना होगा एक सेक्शन डाल दूंगा। तो प्लान ऑफ एक्शन अब ये रहेगा, सुन लो, सितंबर में हमारे स्कूल के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। सितंबर में क्या होता है नॉर्मली कि स्कूल के एग्जाम्स के दौरान बहुत प्रेशर फील किया जाता है, प्लस टू में ज़्यादा किया जाता है, प्लस वन में क्योंकि सर्कुलर मोशन तक आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिट्स के, वो छोटे मोटे चैप्टर हो जाता है। प्लस टू में वॉल्यूम वन पूरा आएगा, इसके बाद अभी एक और चैप्टर पड़े हैं ईएमआई, एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तीनों मिला के मैग्नेटिक इफेक्ट से छोटे तो नहीं है, बड़ी हैं। देखो कुछ वेटेज तो है ही उनकी, ऐसे तो है नहीं कि वेटेज नहीं है, कम से कम 12-14 नंबर का पेपर या 15 नंबर का पेपर आएगा बोर्ड में सिर्फ इन तीन यूनिट्स में से। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में से अगर 12-13 नंबर का आएगा, इनमें से भी 14 का आएगा, तो टक्कर तो इलेक्ट्रोस्टैट्स को देंगी ये लेंथ में, तो ठीक ठाक ये चैप्टर है, इसलिए जल्दी हो जाते हैं बिकॉज बेस इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिसिटी ही है, तो थोड़ा जल्दी कवर होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब सितंबर का एग्जाम होता है तो पूरा सिलेबस इतना ज्यादा हो जाता है, उसको इकट्ठा करना आसान नहीं है, सच में आसान नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा, मतलब ये आपका मतलब ये ना सोचना कि मैं हमेशा यही बोल, नहीं आसान है हो जाएगा, नहीं होता, इतना आसान नहीं है। मेन प्रॉब्लम पूरी पढ़ाई में सिर्फ एक ही है, इकट्ठा करना। वो एक चीज उठाते हो तो दूसरी नीचे गिर जाती है, दूसरी उठाते हो पहली गिर जाती है, पर यही बहुत बड़ी समस्या है, इकट्ठा कोर्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कुछ फेजेस बना दिए, नॉर्मली मैं हर साल पेपर लेता हूँ अगस्त के आखिरी हफ्ते में, जिसमें 50% अटेंडेंस डाउन हो जाती है क्योंकि कई स्कूल में एग्जाम पहली सितंबर को है, वो कहता है पहली सितंबर का पेपर की तैयारी करूँगी आपकी, तो थोड़ा स्ट्रेंथ कम होती है, अब पकड़ने का टाइम है, अब करने का भी टाइम है, प्रेशर भी थोड़ा कम है। तो अब हम क्या करेंगे, कल का टेस्ट तो एनसीईआरटी का, मतलब बेसिक लेवल का, ताकि आप रिविजन कर सको सारा इकट्ठा, जिसमें कि क्या होगा, जिसमें कि आपका मैग्नेटिक पूरा स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक होगा, ये क्लोज हो गया। अगली बार संडे को जो टेस्ट होगा आपका, वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैट से मैग्नेटिक तक का, जितना अगले हफ्ते क्लियर होगा सारा, ये पहला फेज होगा। ठीक, एक टेस्ट पूरा हो गया, सिलेबस कवर हो गया, रिवीजन होगी, ठीक रिवीजन हो गई, फिर उसके बाद इतनी देर, एक महीने में हम करेंगे ईएमआई, एसी और ईएम वेव्स, वो सेकंड फेज का होगा। दो फेज बना दिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ तक एक, ईएमआई एसी और ईएम वेव दो, तो फिर दोनों को अलग अलग लेके आप फिर अपने पेपर की कोई टेंशन खत्म हो जाती है, इससे आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। अब बारी है ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव टेस्ट साथ साथ चलते रहेंगे, वो अलग चीज़ है अब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट अभी संडे को तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी आपको चार्ज पार्टिकल पे काम करने के लिए और टाइम चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, अभी प्रैक्टिस नहीं हुई, आइडिया हुआ है पर ऐसा नहीं हुआ कि जब क्वेश्चन दोगे तो फटाफट हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है आपको एक हफ्ता और चाहिए। तो जितनी देर में आप रिवीजन करोगे, एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, जैसी वो एनसीईआरटी का टेस्ट क्लोज होगा संडे को, फिर उसके बाद फिर हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट होंगे, जितनी देर में ईएमआई एसी कवर करूंगा मैग्नेटिक खत्म हो जाएगा, आपको स्पेस मिलेगा और फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा देंगे। ठीक, तो ये दो टेस्ट तेरे बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको कुछ आगे करना है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी सितंबर में मार्क्स नहीं आए तो बिलीव मी सारे स्कूल वाले, चाहे जहां मर्जी पढ़ते हो, वो अलर्ट हो जाएंगे कि इस स्टूडेंट को स्कूल में बुलाना ज़रूरी है, ढील है, इसका रिजल्ट तो हम ही बनाएंगे, फिर आपके अटेंडेंस में इशू आ जाएगा, आपको जाना पड़ेगा।
एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा इसको बड़े ध्यान से देखना है प्लीज। सपोज आपके पास में एक इनफाइनाइट वायर है और दूसरी भी इनफाइनाइट वायर है, ये वायर नंबर वन है, ये वायर नंबर टू है, इन दोनों में करंट है, चाहो तो जैसे मर्जी ले लो, मैंने एज्यूम कर लिया आपकी बुकलेट की तरह इसमें करंट आई टू है नीचे की तरफ, इसमें आई वन है ऊपर की तरफ, कर लिया एज्यूम, ठीक। आगे अब होने क्या वाला है, ये वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर पड़ी हुई है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और ये वायर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी तो दिस वायर विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स। हमने निकालना है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, पर यूनिट लेंथ इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ है, कुछ पोर्शन ले लेंगे लेंथ का, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले काम करते हैं, ये करंट आई टू है, ब्लू कलर का मैंने बनाया हुआ है, ये करंट इसके ऊपर कोई पोर्शन ले लो, इसका छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, ये रहा एल लेंथ का, इसके ऊपर बी लगाएगी, बोलो बी की डायरेक्शन क्या होगी, करंट नीचे है बी कैसे होगा आउटसाइड, करंट नीचे है बी कैसे होगा आउटसाइड, तो इसके ऊपर बी टू लिख लूं, आई टू ने जनरेट किया, बी टू कैसे होगा आउटसाइड, जिसकी वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई टू डिवाइडेड बाय, इनके बीच में सपोज डिस्टेंस कितना है ए, कोई डाउट इसमें, बी का फॉर्मूला लग गया इसमें, और ये फर्स्ट सेकेंड वायर ने लगाया बी टू। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आई वन करंट है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितनी करेगा, ये वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी एफ वन, और किसने लगाई फोर्स, वायर टू ने, तो वन के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई टू ने, कितना बी, ये किसका यूज करेगा सेकेंड वाली वायर का, बी इसका यूज करेगा, करंट किसका यूज करेगा अपना यूज करेगा, लेंथ भी अपनी यूज करेगा साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है लेंथ के साथ एंगल 90। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। तो अब एक काम करते हैं, हम इस B2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 टाइम्स I2 डिवाइडेड बाय A इनटू I1 इनटू L, या F12 बाय लेंथ इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय A। तो ये एक्सप्रेशन आ गया किसका, फोर्स पर यूनिट लेंथ का, ठीक। डायरेक्शन देखें इस फोर्स की, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, B कैसे है आउटसाइड, करंट कैसे है ऊपर, बी इसमें आउटसाइड है, करंट कैसे है ऊपर, फोर्स कैसे लगेगी इस तरफ, ये रही फोर्स। तो इस पे फोर्स की वैल्यू कैसे एक्सपीरियंस होगी, एफ वन टू वेक्टर इस तरफ, ठीक है यहां तक। फिर देखो एक बार, अब आई वन ने इसके ऊपर क्या लगाया, बी लगाया, तो एक लेंथ ले लेते हैं छोटी सी एल, तो आई वन ने, आई वन करंट ऊपर है, बी कैसे लगाया इसमें आउटसाइड, तो बी वन लिख लेते हैं, आई वन ने लगाया म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई वन डिवाइडेड बाय ए, और कैसे आपने बोला आउटसाइड, ठीक। तो ठीक है, दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ ऑफ टू वायर ने, की फोर्स है विद किसने लगाई, वन ने, कितनी बी वन, करंट ही अपना यूज करेगा आई टू साइन 90। हमने क्या निकालना है, एफ टू वन बाय एल इज बी वन इंटू आई टू, बी वन का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई वन डिवाइडेड बाय ए इंटू कितना आई टू, सेम आंसर आ गया, ठीक है यहां तक। डायरेक्शन बी कैसे है आउटसाइड, करंट कैसे है नीचे, फोर्स कैसे है मेरी तरफ, बी कैसे है आउटसाइड, करंट कैसे है नीचे, फोर्स मेरी तरफ, तो ये फोर्स कहां लगेगी, ये लग गई। आज के बाद ये लंबी कहानी कोई डिस्कशन नहीं करेगा कि ये फ्लेमिंग का रूल ये वो, कुछ नहीं, शॉर्टकट है। अगर दो वायर्स पैरेलल है और उनमें करंट ऑपोजिट है तो याद रखना दे विल रिपेल ईच अदर, बात खत्म, तो फोर्स ऑपोजिट ही बनेगी, क्लियर है यहां तक। तो आज के बाद हम सिंपली क्या करेंगे कि इतना कुछ करेंगे नहीं, ये तो सब समझाने के लिए मैंने बनाया। आज के बाद आपको ये गिवन होगा कि करंट एक में ऊपर है, करंट में एक में नीचे है, तो फोर्स फटाफट कैसे ड्रॉ कर देनी है ऑपोजिट, ठीक।
लेकिन उल्टा भी ट्रू है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो दो वायर विल अट्रैक्ट ईच अदर। देखो कैसे, जैसे सपोज आपके पास ये करंट कैरिंग वायर है, ये पहली वायर है आई वन और ये दूसरी वायर है कितनी आई टू, आई वन आई टू, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है, इस करंट कैरिंग वायर ने आई वन ऊपर है तो बी कैसे लगेगा इनसाइड, तो बी कैसे लगेगा इनसाइड, ये रहा इनसाइड, ठीक बी इनसाइड। तो ये डायरेक्शन फोर्स की क्या लगेगी, बी कैसे है इनसाइड, करंट कैसे है ऊपर, फोर्स कैसे लगेगी ऐसे लेफ्ट, तो इसमें ये फोर्स आ गई, ठीक। उसी तरीके से इसमें करंट कैसे है ऊपर, बी यहां पे कैसे लगेगा बाहर, तो बी अगर इसमें आउटसाइड लगेगा तो फोर्स देखें बी आउटसाइड, करंट कहां ऊपर, तो फोर्स कैसे लगेगी इस तरफ। तो ये ड्रॉ करने की आज के बाद जरूरत क्या है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है दो वायर्स में तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत हाई ट्रांसमिशन अगर लाइंस है ना, करंट सेम डायरेक्शन में है, वायर्स को पास नहीं रखा जाता, पता लगे वो करंट कैरिंग वायर आपस में चिपकी जाए, अट्रैक्ट करेंगी वो, या तो वुडन कोई वो डाला जाता है बीच में, ये स्टिक वो आपने देखा भी होगा, वो सपोर्ट के लिए डाला होता है ट्रांसमिशन वायर्स में, तो वो इसीलिए पता लगे हाई करंट कैरिंग वायर है और आपस में, वैसे तो वो सपोर्ट भी की काम भी करेगा और वैसे भी रूल भी एप्लीकेबल है, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें। तो ये एक्सप्रेशन लिख लोगे, सबसे पहले बी वन निकालोगे, बी वन आई वन की वजह से है, फोर्स सेकेंड पे यूज करोगे, सेकेंड वायर की फोर्स में बी वन फर्स्ट वायर का, करंट सेकेंड वायर का इंटू एल साइन 90, बी वन की वैल्यू पुट करोगे आंसर। फिर फोर्स फर्स्ट वायर पे होगी तो बी सेकेंड वायर का यूज होगा, करंट फर्स्ट का यूज होगा, एल नीचे आंसर, सेम आंसर आएगा। ये करके दिखाना है आपने उसमें पेपर में। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आता है, डिफाइन फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर, इंपॉर्टेंट मार्क करो, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। वन एम्पियर नहीं डिफाइन कर देना वन कूलम बाय वन सेकेंड वन एम्पियर, गलत है, आपने ऐसे करना है, आपने पहले ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला लिखना है, आपने बोलना है कि अगर करंट दो वायर्स में वन एम्पियर है और डिस्टेंस दो वायर्स में वन मीटर है तो उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है। फिर आपने डेफिनेशन बनानी है, उसमें लिखना है इट इज दैट मच करंट विच वेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द टू पैरेलल यूनिफॉर्म वायर्स प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर मे अट्रैक्ट मे रिपेल, अट्रैक्ट विल अट्रैक्ट और आएगा और रिपेल, ऑफ नहीं और रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो ये डेफिनेशन है फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर, यहां तक क्लियर है, तो यहीं तक सिलेबस है, इसको पढ़ो और ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे इससे शीट्स, क्योंकि रिवाइज करोगे। और इस हफ्ते हो सकता है मैं छोटे छोटे टेस्ट ले लूं, जैसे कि फोर्स ऑन चार्ज वायर के 10 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, फिर करंट कैरिंग वायर का सेक्शन वाइज लूंगा, ऐसे इकट्ठा मिक्स नहीं लूंगा अभी, मिक्स फिर एंड यूनिट में लूंगा। तो आप पहले कल की तैयारी करो, बाकी बाद में देखते हैं।